ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीए सेकंड सेमेस्टर के अगले विषय बिंदु पर चर्चा करेंगे। पिछले कक्षा में मैंने आपको काव्य शिक्षण की विधियां बताई थी, आज मैं काव्य शिक्षण की विधियों के सोपान बताऊंगी, यानी कि काव्य शिक्षण के सोपान। यहाँ काव्य शिक्षण के सोपान होगा, क्षमा कीजिएगा, काव्य के सोपान मैंने लिख दिया है। काव्य शिक्षण के सोपान में पहला आएगा प्रस्तावना। प्रस्तावना, प्रस्तावना का अर्थ होता है छात्रों के पूर्व ज्ञान को देखना कि वह काव्य के संबंध में, कविता के संबंध में क्या जानते हैं, कविता से परिचित हैं या नहीं, कविता के प्रति जो हम उन्हें कविता पाठ पढ़ाने जा रहे हैं उसके प्रति छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करना और एक प्रभावशाली कक्षा वातावरण का निर्माण करना, ताकि जब हम काव्य का पाठ करें तो छात्र उसमें रुचि ले सके। दूसरा है पठन। पठन में हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक आदर्श पठन होगा, दूसरा होगा अनुकरण। जब शिक्षक किसी पाठ को लेता है, काव्य के पाठ को लेता है पढ़ाने के लिए, तो वो इन दोनों में से किसी एक का चयन करेगा, आदर्श पाठ का या अनुकरण का। आदर्श पाठ का अर्थ होता है कि शिक्षक पहले स्वयं ही उस कविता को छात्रों के समक्ष पढ़ेगा, पूरे हाव भाव लय के साथ, आवाज में उतार चढ़ाव के साथ, ताकि बच्चे उस काव्य में आनंद ले सके और उस काव्य के भाव को समझ सके। या फिर वह अनुकरण द्वारा भी छात्रों को पढ़ा सकता है। अनुकरण, अनुकरण में शिक्षक किसी पाठ को पढ़ता है, फिर छात्र उस पाठ को उसी तरह से पढ़ते हैं शिक्षक के पीछे पीछे, तो ये अनुकरण होता है। भाव विचार और विश्लेषण। काव्य को जब शिक्षक पढ़ाता है, उसका आदर्श पाठ करता है, तब वह उसके बाद उसका भाव विश्लेषण करता है, अर्थात काव्य की ध्वनि सौंदर्य के बारे में बताता है, काव्य के भाव को देखेंगे, काव्य में लय देखेंगे, काव्य के भावार्थ को देखेंगे कि जो काव्य दिया गया है उस काव्य के का भाव क्या है, उसके प्रत्येक जो वाक्यांश है उसका अर्थ क्या है, उसमें छंद क्या है, अलंकार क्या है, रस क्या है, इन सभी के बारे में चर्चा करना ही भाव का, भाव विचार एवं विश्लेषण कहलाता है। पुनः आदर्श पाठ। जब शिक्षक इन भाव विचार को विश्लेषण को देख लेता है, वह छात्रों को प्रत्येक वाक्य का अर्थ बताता चला जाता है, फिर वह उसके बाद फिर से पुनः आदर्श पाठ करता है, फिर से उस पाठ को पूरे हाव भाव लय के साथ पढ़कर कक्षा कक्ष में सुनाता है, ताकि छात्र भी उस काव्य को उसी तरीके से पढ़ सके, उसी तरीके से सीख सके, हाव भाव और लय के साथ, आवाज में जो उतार चढ़ाव होनी चाहिए उसके साथ, तभी काव्य का आनंद आता है। काव्य को गद्य की भांति नहीं पढ़ा जाता है, इसमें भाव होते हैं, इसके भाव सौंदर्य होते हैं, और जब तक काव्य सौंदर्य को हम की अनुभूति ना कर ले, तब तक काव्य का आदर्श पाठ व्यर्थ माना जाता है, क्योंकि काव्य हमें आनंद देने वाला होता है और काव्य के आनंद को ही प्राप्त करना काव्य का मुख्य उद्देश्य होता है। संदर्भात्मक प्रश्न। जब शिक्षक पुनः आदर्श पाठ का अनुकरण कर लेता है, आदर्श पाठ का वाचन कर लेता है, तब वह उससे संदर्भात्मक प्रश्न पूछता है, अर्थात छात्रों से किसी वाक्य से संबंधित, काव्य के संबंधित वाक्य से संबंधित प्रश्न पूछेगा, उसमें अलंकार या रस के बारे में, किसी शब्द के बारे में या समान वाक्यांश वाले शब्दों के भावार्थ के बारे में, जिससे छात्र में काव्य के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न होगी, सक्रियता रहेगी और वह काव्य के भावार्थ को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। यदि कहीं दुविधा है तो वह शिक्षक से स्वयं किसी वाक्य या शब्द को के अर्थ को पुनः जानने का प्रयास करेंगे। संभावित कविता। संभावित कविता का अर्थ है कि छात्रों को जब हम आदर्श पाठ और सारी सोपानों का पालन कर लेते हैं, तो पुनः उस कविता के सामान्य पंक्तियों को छात्रों को कक्षा कक्ष में कहने को, पढ़ने को कहा जाता है, जिससे छात्र खुद पढ़ते हैं, और यदि उनमें किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती है तो शिक्षक पुनः उस काव्य को पढ़कर छात्रों को सुनाता है। तो संभावित कविता के अंतर्गत सामान्य पंक्तियों का छात्रों को, छात्र छात्राओं को कक्षा कक्ष में दोहराने को कहना ही कहलाता है, जिससे उस काव्य को वह सही तरीके से
उच्चारित कर सकते हैं, सही तरीके से पढ़ सकते हैं, उनका वाचन कर सकते हैं। आशा करती हूँ काव्य के सोपान जो 600 पानों पे हमने चर्चा किया, प्रस्तावना, पठन, भाव, विचार और विश्लेषण, उना आदर्श वाचन, संदर्भात्मक प्रश्न और संभावित कविता, ये सभी विषय बिंदु आपको समझ में आए होंगे। इससे संबंधित विस्तृत नोट्स मैं पीडीएफ के द्वारा आप लोग को उपलब्ध करा दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।